ये नारियल जेली बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, श्री जोम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है ताजा नारियल। अब इसका मिठाई बनाएंगे तो इसको अच्छे से धो के साफ किया हुआ है। ये पीछे वाला छिलका इसका हटा लीजिए। और इसको हटाने के लिए नारियल को 1 से 2 दिन फ्रिज में रख दीजिए तो एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। अब इसको डालिए जार में। पहले थोड़ा सा इसको पीस लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से पहले पीस लीजिए, अब इसमें डालेंगे पानी। अब एक बर्तन पे रखिए साफ कपड़ा और इस पे निकालिए इसको। इस तरह से अब इसको निचोड़ के निकाल लीजिए। ये बन गया आपका नारियल का दूध। इससे नारियल के दूध का कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। और इसको चाहे तो 1-2 बार और चला सकते हैं पानी डाल के, लेकिन ऐसे जो भी निकलना था तो निकल ही गया। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। और डालिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये पूरा इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। अब इसको पकाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए पकाइए। ये इस तरह से बनेगा। अब ये पक गया है, इसको हटा लीजिए। अब एक कोई भी बर्तन में हल्का सा घी लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, या तेल भी लगा सकते हैं। अब इस कटोरी में इसको डालिए। ये इस तरह से रख दीजिए और इसको पूरा ठंडा होने दीजिए। फिर फ्रिज में 3-4 घंटा रखेंगे तो ये जम जाएगा। ये नारियल की मिठाई बनके तैयार है। Thank you.
अपने को।